अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं बना रही हूँ सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश। जी मैं बात कर रही हूँ कड़ी पकौड़ा की। और आई थिंक अगर साग के बाद ना सर्दियों में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है या बनाई जाती है ना, वो कड़ी पकौड़ा है। क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है और बचपन से हम इसको खाते आ रहे हैं और अभी तक भी ये हमारी मोस्ट फेवरेट डिश है और बहुत ही मज़े की होती है। और जब स्पेशली जब सर्दियों में बनाई जाती है ना, तो जितनी ज़्यादा ठंड होती है ना उसमें उतनी ही ज़्यादा गरम कड़ी और उसके साथ गरम गरम पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ा करते हैं। तो आज मैंने इसकी फुल रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि जो कड़ी है ना वो बहुत ही आसान तरीके से बनती है और ऑलमोस्ट सबको बनाने आती है। तो बस जस्ट मैंने इसको फाइनल में छोटा सा इसका मैंने व्लॉग बना लिया है। और यहाँ पर देखिए हमारी जो कड़ी है ना वो बिल्कुल तैयार हो गई है और साथ मैंने पकौड़े बनाना भी शुरू कर दिए हैं। और पकौड़ों का जो पकोड़े हैं ना वो तो किसको अच्छे नहीं लगते। पकोड़े तो वैसे ही सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जो पकोड़े हैं ना वो कड़ी में शामिल कर दिए जाते हैं ना, फिर तो वो और ही मज़े के हो जाते हैं। तो कौन कौन है जी जो कड़ी पकोड़ा का लवर है और उन लोगों को कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और आज मैं आपके साथ कंप्लीट रेसिपी नहीं शेयर कर रही, क्योंकि कड़ी पकोड़ा जो है ना वो सबको ही बनाना आता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।